हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर सास बहू की रसोई। आज हम आपको गिया के कोफ्ते की सब्जी बनाने की रेसिपी बता रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल टमाटोज, हमें यहाँ पे 4 टमाटो लिए हैं, और हरी मिर्च, अदरक यूज़ करेंगे हम इसका दोनों का ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। मसाले हमने यहाँ पे ये सब लिए हुए हैं, और ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे बेसन लिया है। वो बेसन की टिप मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगी इसमें कि हम बेसन को यहाँ पे कैसे यूज। सबसे पहले हमने अपना गैस ऑन किया, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। हल्का सा इसे गर्म होने का वेट करेंगे। अब हम इसमें ना एक स्पून बेसन का डालेंगे। इससे क्या होता है, जो हमारी ग्रेवी होती है, हम क्योंकि इसमें प्याज लहसुन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो कई लोगों की शिकायत रहती है कि हमारी ग्रेवी नहीं बनती है, तो हमने इसमें इसीलिए थोड़ा सा बेसन यूज़ किया है, थोड़ा उसका टेक्सचर थिक रखने के लिए सब्जी का। अब हम अपना गैस का फ्लेम थोड़ा कम कर देंगे ताकि ये जो हमारा बेसन है ये जले नहीं। देखिए हमारा ये थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है बेसन का। अब हम इसमें टमाटो की प्यूरी डालेंगे, के अंदर हमने थोड़ी सी अदरक और हरी मिर्च भी पीसी थी। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। फर्स्ट हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। हरी मिर्च हमने डाली है तो तीखा थोड़ा कम देने के लिए हम इसमें 1/2 चम्मच रेड चिली डालेंगे। हल्दी इसमें हम बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे। हल्की सी काली मिर्च डालेंगे इसमें। अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम नमक डालेंगे। नमक हमारा कोफ्तों में भी होता है, तो थोड़ा हमें इसमें बैलेंस रखना होता है इस चीज़ का। अब जब तक इसमें ऑयल ऊपर नहीं आ जाता, तब तक हम इस पर मसाले को अच्छे से भूनेंगे। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा तेल आना इसमें ऊपर शुरू हो गया है। अभी इसे 3 से 4 मिनट और लगेंगे थोड़ा सा और पकाने में। देखिए दोस्तों, इसमें तेल आना शुरू हो चुका है, अच्छे से तेल आ चुका है। अब हम इसमें मलाई का यूज़ करेंगे। 4 चम्मच हमने इसमें मलाई डाली है, हमारे बड़े चम्मच हैं जो हमने यूज़ किए हैं इसमें। अब एक हल्की सी उबाली आने का हम वेट करेंगे इसमें। उबाली इसमें हमारी आने लगी है। अब हमने थोड़ी सी तरी के लिए, अगर कोई ग्रेवी ज़्यादा खाना पसंद करता है तो वो दूध का यूज़ ना करे, हमने यहाँ पे दूध का 1 गिलास दूध का यूज़ किया है। अब एक छोटी सी उबाली आते ही हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें उबाली आनी अब शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे अपने। कोफ्ते हमने अपने डाल दिए हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको कोफ्तों के साथ कम फ्लेम पर हम रखेंगे। और इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, हल्का सा गरम मसाला। लीजिए दोस्तों, अब हमारी ये सब्जी सर्व करने के लिए रेडी है। रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।